सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं विराट नगर के महाभारत काल के गणेश मंदिर में। अब हम आपको गणेश मंदिर दिखाएंगे दोस्तों ये मंदिर का मुख्य बड़ा मेन दरवाज़ा, हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। और ये जो हम पहाड़ की तलेटी के नीचे दुकानों के पास पहुंच गए हैं, यहाँ हमने हमारी बाइक खड़ी कर दी दोस्तों। दोस्तों हम प्रसाद ले रहे हैं, गणेश जी बाबा को प्रसाद चढ़ाएंगे। भैया हमको प्रसाद तोल रहे हैं। सो दोस्तों, प्रसाद लेने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। और जो आप देख पा रहे होंगे, हमने सीढ़ियाँ चढ़ के ये श्री गणेश जी मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये मत्स्य अवतार है, भगवान ने मछली का रूप लिया था। और ये आप श्री गणेश जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, तो हमने पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने बताया जो ये गणेश जी की प्रतिमा है, ये महाभारत कालीन की प्रतिमा है, पांडव इसी गणेश जी भगवान के पूजा करते थे। और यहाँ पे हम आगे बढ़े तो हमें एक चट्टान के ऊपर, एक बड़ी चट्टान के ऊपर कुछ कबूतरों के झुंड बैठे हुए नज़र आए। तो जो ये दृश्य था, ये देखने ही लायक था दोस्तों। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमको एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया, हमने हनुमान जी बाबा के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमको एक ढलान जैसी पत्थर की बड़ी शिला पर, फिसलन वाली शिला पर कुछ कबूतर बैठे फिर नज़र आए। जो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो छेद देख पा रहे होंगे, ये भीम के उंगलियों के निशान हैं। भीम ने एक गट्टा शहर की तरफ फेंका था दोस्तों, ये वही गट्टा है। इसके बाद आप ये कुछ गुफाएं वगैरह देख सकते हैं। और हम फिर आगे बढ़े तो हमने एक शहर का नज़ारा व्यू लिया दोस्तों। तो इस